नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। शाहरुख खान की फिल्म डंकी जब से रिलीज हुई है तभी से इस फिल्म की चर्चा हो रही है। 21 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हुई ये फिल्म जहां कुछ लोगों को पसंद आ रही है तो वहीं कुछ लोग इसे बोरिंग भी बता रहे हैं। बेसिकली शाहरुख खान की इस फिल्म को पब्लिक की तरफ से मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ठीक ठाक कमाई कर रही है। भले ही डंकी पठान और जवान जैसे आंकड़े दर्ज कराने में कामयाब ना हो पाई हो, लेकिन फिर भी ये फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। फिल्म को शाहरुख खान के फैंस की तरफ से बेहद ही जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हाल ही में शाहरुख खान के मन्नत की छत पर आकर फिल्म को प्यार देने के लिए फैंस का शुक्रिया भी किया था। इसी बीच फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म डंकी पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेहरबान हो गई है। दरअसल हाल ही में राष्ट्रपति भवन में फिल्म डंकी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी फिल्म की राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाई गई हो। इससे पहले भी कई फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग हो चुकी है जिसमें कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके स्टाफ के लिए कल्चरल सेंटर में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई है। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी भी वहां मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा था कि स्पेशल स्क्रीनिंग का शाहरुख खान भी हिस्सा होंगे, लेकिन 24 दिसंबर की शाम शाहरुख खान अपने बंगले मन्नत की छत से फैंस से मिलते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद ये साफ हो गया कि वो इस खास मौके पर दिल्ली नहीं पहुंचे। हालांकि डायरेक्टर के साथ राइटर अभिजीत मौजूद थे। आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी एक इमिग्रेशन ड्रामा है जो गैरकानूनी तरीके से विदेश जाने वाले लोगों की कहानी को दिखाती है। इस फिल्म को इमोशंस, रोमांस और कॉमेडी पर कई एंगल के साथ बड़े पर्दे पर उतारा गया है। शाहरुख खान ने पहली बार राजकुमार हिरानी के साथ काम किया है। दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। डंकी ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 30 करोड़ का कारोबार किया था, वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी सी गिरावट आई थी। फिल्म ने 20 करोड़ का बिजनेस किया था, तीसरे दिन फिल्म ने 25 करोड़ की कमाई की थी। पठान और जवान के ब्लॉकबस्टर होने के बाद से ही डंकी को लेकर फैंस में गजब का क्रेज बना हुआ था। ये साल शाहरुख खान के करियर के लिए काफी अहम साबित हुआ है। इस साल एक्टर ने 3 बड़ी फिल्में दी हैं जिसके जरिए उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। वैसे शाहरुख खान की डंकी को प्रभास की सलार से जोरदार टक्कर मिल रही है। आपको बता दें कि सलार भी डंकी के साथ ही रिलीज हुई है। सलार को भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी कर रही है। ऐसे में शाहरुख की डंकी को तगड़ा कॉम्पिटिशन भी मिल रहा है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।